जय हिंद एवरीवन, मैं अनिल रावत आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी प्यारे बच्चों को 1 सितंबर के सीडीएस एग्जाम के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ड्रीमर परिवार की ओर से आपको ढेर सारा आशीर्वाद कि आप सभी लोग सीडीएस का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से दोगे और अपना अपना सिलेक्शन लेके आओगे। कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूं, जो कि हो सकता है कि आपके सीडीएस एग्जाम के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मैं बात करूंगा, आप सभी लोग उस पर क्या करेंगे, अपनी कॉपी और कलम लेके साथ में बैठेंगे और अपनी कॉपी में और अपने दिमाग में उस चीज को छाप देंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। कहीं ना कहीं सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू। सबसे पहली बात यह है कि भैया आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को या क्वेश्चन को आराम से एक बार पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ भाई मैंने क्वेश्चन पूछा कि हाँ भाई क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बारे में पूछ रहा है। पर लेकिन कहीं ना कहीं हम इन शब्दों को थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं देख नहीं पाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है कि हाँ भाई हम क्वेश्चन पे एकदम पहले ही क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से गुजारिश ये है कि आप सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि भैया जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कहीं ना कहीं अभी यूपीएससी प्री में भी पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले मेरे को ये याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात ये कही जाए तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 अगस्त याद रखना, 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, 1942। इसी 8 अगस्त या क्विट इंडियन मूवमेंट को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है और इसी क्विट इंडियन मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, सीडीएस वाले सारे प्यारे बच्चों के लिए, कि भैया जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ 8 अगस्त 1942 को और इस क्विट इंडिया मूवमेंट को भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। और इसी अगस्त मूवमेंट में याद रखना, इसी भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे राष्ट्रपिता, हमारे नेशन के फादर, नेशन ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी ने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डू और डाई का नारा दिया था, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कि भैया जो महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था, ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में कि महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, डू और डाई का। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें, अभी मैं क्वेश्चन की ओर नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ ये सुनना है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन क्या बन सकता है। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भारत का वर्ष रॉय, याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भारत का वर्सरॉय कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो याद रखना इस टाइम भारत का वर्सरॉय, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भारत का वर्सरॉय जो थे लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। ये भारत आए थे 1936 से, इनका जो कार्यकाल था 1936 से लेकर 1944 तक। तो याद रखना जो भारत का, जिस टाइम भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन ये पूछा जाता है प्रश्न, आपको सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है कि उस टाइम भारत के जो वर्ष रहे थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे, याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये इनका जो कार्यकाल रहा था 1936 से लेकर 1944 तक। और कहीं ना कहीं यूपीएससी ने फिर ये क्वेश्चन पूछा है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडियन मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भारत, उसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको याद रखना अब्दुल कलाम आजाद, याद रखना अब्दुल कलाम आजाद, कलाम आजाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, याद रखना भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, याद रखना फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी यही थे, याद रखना जब क्विट इंडियन मूवमेंट हुआ था। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका याद रखना कि जो क्विट इंडियन मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद, और ये अब्दुल कलाम आजाद जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, याद रखना भारत के पहले
शिक्षा मंत्री भी थे, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम पे भारत का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो भैया अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भारत का ओवरसराय कौन था, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट या जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन की ओर इस तरीके से बढ़ रहा हूं कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्वेशन, जो क्विट इंडियन मूवमेंट से जिसका लेना देना था ही नहीं। तो पहला स्टेटमेंट या पहला ऑप्शन हमें ये बोल रहा है कि द मूवमेंट वॉज ऑल्सो नॉन एज इंडियन अगस्त मूवमेंट। मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि क्विट इंडियन मूवमेंट को 8 अगस्त 1942 में जो शुरू हुआ उसको अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही हो गया। ये किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, तो याद रखना नेशन ऑफ फादर या फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी द्वारा, जिन्होंने क्या करा, डू और डाई का नारा दिया। उसके बाद सी ऑप्शन, इट वॉज द ये बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम पूरे भारत में फैल गया, कहीं ना कहीं सी ऑप्शन भी सही है। उसके बाद डी, इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास। याद रखना कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नंबर डी, इसने कहा इसमें सामान्यतः श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया, जबकि श्रमिक वर्ग इसमें पार्टीशन था। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो हमने लाए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप अपनी कॉपी में और अपने दिमाग में क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे और उस चीज को फील कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। अच्छा अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्या पूछ रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चोला रूलर के बारे में पूछ रहा है आपका, जो साउथ इंडिया या हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जो आपका साउथ इंडिया संगम एज का जो क्वेश्चन है उसमें यह पूछा गया प्रश्न है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज शिवा टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द चोला रूलर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जो साउथ इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इस हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया को मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं या थोड़ा सा डीपली ले जाऊं, तो भैया आपको इस तरीके से याद रखना है, जो संगम एज है इस संगम एज में मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां वाली बात करी जाए तो ये चेरा किंगडम है, चेर है, द एंशियंट नेम ऑफ केरला, याद रखना चेर। इन चेयर का जो एम्बलम है याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनका एम्बलम कहीं ना कहीं एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। जो चेयरों का एम्बलम था वो था आपका एरो एंड बो, या बो एंड एरो, धनुष और बाण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। फिर मत बोलना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जो चेयरों का एम्बलम था वो आपका क्या हो गया, बोरो एंड एरो एंड बो हो गया। उसके बाद जो आपका चोला किंगडम है इस चोला किंगडम से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका चोला किंगडम हो गया। इन चोलों का याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन चोलों का जो एम्बलम है वो आपका है टाइगर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको क्वेश्चन में भी पूछा गया है। उसके बाद चेर हो गया, चोला हो गया, उसके बाद जो पांड्य राजाएं हैं याद रखना, इन पांड्य राजाओं के टाइम पे या इन पांड्यों के शासक पे 3 संगम हुए। संगम मतलब कहीं ना कहीं याद रखना, कहीं ना कहीं आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो जहां पे 2 नदियों का संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं किन्हीं 2 वस्तुओं का या 2 चीजों का क्या हो रहा, मिलन हो रहा, तो उसको क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। तो याद रखना पांड्य राजवंश के टाइम पे 3 संगम भी हुए हैं, याद रखना कितने संगम हुए, 3 संगम हुए हैं। ये 3 संगम याद रखना, पहला संगम आपका मदुरई में हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पांडे राजाओं के टाइम पे 3 संगम हुए मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला संगम जो मदुरई में हुआ, दूसरा आपका कपाटपुरम में हुआ, याद रखना दूसरा आपका कहां हुआ, कपाटपुरम, तीसरा आपका फिर आपका कहां होता है, मदुरई में। कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग में यह प्रश्न आ गया, तो आपको क्या नहीं होना चाहिए, इस प्रश्न को गलत नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपको साउथ इंडिया के जो रूलर्स हैं उनके एम्बलम आगे, जैसे चेयर का मैंने आपको बता दिया धनुष और बाण, वैसे ही आपका चोल का क्या हो गया, टाइगर हो गया, वैसे ही आपका पांड्य राजाओं का जो कि मोतियों के लिए सबसे ज्यादा फेमस था, तो याद रखना पांड्य राजाओं का जो एम्बलम हो गया वो हो गया फिश, याद रखना मछली, फिश आपका क्या हो गया, पांड्य राजाओं का क्या हो गया, एम्बलम हो गया। कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चेर शासकों की बात करी जाए तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है कि रेड चेयर के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद
रखना सैन गुटवन, याद रखना चेर शासकों में एक महान शासक होते हैं सैन गुटवन, जिनको रेड चेर के नाम से जाना जाता है। ये आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चोल शासकों में बात करी जाए सबसे इंपॉर्टेंट करिकाल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करिकाल, वो करिकाल जिसने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर का क्या लंबा बांध बनाया था। उसके बाद इन्हीं चोल शासकों में एक सबसे इंपॉर्टेंट राजा होता है जिसका नाम होता है अलारा, याद रखना अलारा, ये अलारा वही होता है जो श्रीलंका को जीत लेता है, याद रखना किसको जीत लेता है, पहला राजा जिसने क्या जीत लिया, श्रीलंका को जीत लिया और कम से कम यहां पे 50 वर्षों तक क्या किया, अपना राज किया। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चेर में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सैन गुटवन, जिस सैन गुटवन को क्या कहा जाता है, रेड चेर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चोल शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अलारा, अलारा वो होता है, वो राजा होता है जिसने क्या कर लिया, श्रीलंका को भी जीत लिया था और कम से कम वहां पे कितने साल तक राज किया था, आपका 50 साल तक राज किया था। उसके बाद एक है करिकाल, इसी चोल शासकों में एक है करिकाल, याद रखना करिकाल, करिकाल वो राजा है जिसने करिकाल वही राजा है जिसने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया था, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और रेड चेर के नाम से जिसे सैन गुटवन के नाम से जाना जाता है, यह वही सैन गुटवन है जिसने कर्ण की पूजा, याद रखना कर्ण की पूजा मतलब होता है पत्नी पूजा, पत्नी पूजा की शुरुआत भी किसने करी थी, तो याद रखना पत्नी पूजा की शुरुआत भी सैन गुटवन जी ने ही करी थी, याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेड चेर नोन एज ऑल्सो नोन एज सैन गुटवन, सैन गुटवन किस शासक से है, आपके चेर शासक से है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो शिवा टेंपल है वो चोल शासकों के टाइम पे कहां नहीं था, तो याद रखना वो आपका नाने घाट, याद रखना ये नाने घाट आपका लोकेट करता है महाराष्ट्र में, याद रखना कहां लोकेट करता है महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया, चेर या चोल शासक आपका महाराष्ट्र में, तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैंने मैप के अकॉर्डिंग आपको बता दिया कौन सी कहां पे लोकेशन है। तो आपका जो नाने घाट है ये कहीं ना कहीं आपका कहां लोकेट करता है, नाने घाट केव, ये आपका महाराष्ट्र में लोकेट करता है। क्लियर हो गई बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इस तरीके से बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भैया इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं फिर बात करूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं कि भैया इनमें से कौन सा ऐसा है जो गुप्त टाइम पे नहीं लिखा गया। तो याद रखना आपका जो वाहिरमीर है ये किसके, वाहिरमीर की क्या होगी, बृहत संहिता हो गई, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम होगी, शूद्रक की मर्चकटिकम हो गया, और विष्णु शर्मा की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब, विष्णु शर्मा की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखनी है। तो विष्णु शर्मा की जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है वो है पंचतंत्र, याद रखना किसकी क्या है, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप विष्णु शर्मा की और कौन कौन की किताबों के बारे में आप जानते हैं। अब मुद्र राक्षस किसने लिखी, याद रखना मुद्र राक्षस किसने लिखी, याद रखना पंचतंत्र किसने लिखी, पहले सबसे पहली बात है पंचतंत्र। अब मुद्र राक्षस किसके द्वारा लिखी गई, मुद्र राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई, याद रखना यहाँ पे चौथा ऑप्शन गलत हो रहा है कि विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखी गई और मुद्र राक्षस किसके द्वारा लिखी, विशाख दत्त द्वारा लिखी गई। तो याद रखना ये ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है कि भैया बुक्स दे दिए और उनके ऑथर्स दे दिए कि गुप्ता पीरियड में, याद रखना गुप्ता पीरियड के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात करने जाऊं तो इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसको क्लासिकल एज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री भी कहा जाता है, क्लासिकल एज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटे, एंशियंट हिस्ट्री, क्लासिकल एज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। इसी टाइम पे कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, गुप्ता पीरियड में या गुप्ता एम्पायर में आपके सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को इस बार मिल सकता है, क्योंकि अभी जो हाल ही में जितने भी अभी कंपटीशन एग्जाम के पेपर हैं, चाहे एपकेट का हो चाहे यूपीएससी प्री का हो, कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन पेपरों में आपको एंशियंट हिस्ट्री से, गुप्ता पीरियड से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस गोल्डन एज ऑफ इंडिया जो पहले राजा हुए हैं श्रीगुप्त, जिन्होंने
महाराजा की उपाधि धारण करी, इनके टाइटल भी याद रखने हैं आपको। उसके बाद श्री गुप्त के बेटे होते हैं घटोत्कच, इन घटोत्कच ने भी महाराजा की उपाधि धारण करी। घटोत्कच का पुत्र होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, कौन होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। यह चंद्रगुप्त फर्स्ट पहला राजा होता गुप्त डायनेस्टी का जिसने, याद रखना, जिसने क्या करा था, महाराजा धीराज की उपाधि या महाराजा धीराज का टाइटल क्या करा था, यूज करा था अपने लिए। और यह चंद्रगुप्त फर्स्ट वही है जिसने गुप्ता एरा या गुप्त संवत की भी स्थापना करी। याद रखना गुप्ता एरा, कहीं ना कहीं इसने 319 एडी में क्या करा था, गुप्ता एरा, कहीं ना कहीं 320 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखना 319 में चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा गुप्ता एरा या गुप्त संवत की भी शुरुआत करी गई। उसके बाद चंद्रगुप्त के पुत्र होते हैं समुद्रगुप्त, जिनको कहा जाता है भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था इसको, तो वी ए स्मिथ ने, याद रखना वी ए स्मिथ ने इनको टाइटल दिया था, किसका, नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त के दो बेटे हुए रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना समुद्रगुप्त के दो बेटे हुए, आपके पहले हुए रामगुप्त और उसके बाद हुए चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। ये चंद्रगुप्त सेकंड कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामगुप्त आपके कहीं ना कहीं नियोग्य शासक हुए हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करी जाए, ही आल्सो नोन एज विक्रमादित्य। याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और इसी चंद्रगुप्त ने सबसे पहले, याद रखना पहला गुप्त साम्राज्य, पहला राजा होता है गुप्त साम्राज्य का जिसने सिल्वर कॉइन्स की क्या करी थी, याद रखना सिल्वर कॉइन्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मत बोल देना कि सर नहीं बताया, कि भैया जो सिल्वर कॉइन्स की शुरुआत करी थी वो आपके गुप्त डायनेस्टी में किसने करी थी, चंद्रगुप्त सेकंड ने करी थी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इससे पहले है कि जो समुद्रगुप्त थे, इन समुद्रगुप्त ने अपनी कोर्ट लैंग्वेज, जो गुप्त डायनेस्टी की कोर्ट लैंग्वेज थी वो आपकी क्या थी, संस्कृत थी। तो इसकी शुरुआत किसने करी, आपके समुद्रगुप्त ने करी, कि भैया जो गुप्त डायनेस्टी थी, इस गुप्त डायनेस्टी में इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, और वो संस्कृत किसने करी, आपकी समुद्रगुप्त ने करी। और चंद्रगुप्त सेकंड की बात करी जाए तो इन्होंने क्या करा, इनको आल्सो नोन एज विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त सेकंड ने किसकी शुरुआत करी, सिल्वर कॉइंस की शुरुआत करी। और चंद्रगुप्त सेकंड के पुत्र होते हैं कुमारगुप्त, जिनके टाइम पे, याद रखना कुमारगुप्त के टाइम पे ही नालंदा विश्वविद्यालय की क्या हुई, इनॉग्रेशन हुई, स्थापना हुई। और नालंदा विश्वविद्यालय को बाद में किसने, बख्तियार खिलजी ने क्या करा था, आपका तुड़वाया था। ठीक, क्लियर हो गई बात कहीं ना कहीं। इसके बाद आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया, विष्णु शर्मा की क्या होगी, पंचतंत्र। और मुद्र राक्षस किसकी होगी बेटे, विशाख दत्त की हो गई। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कि मूवमेंट वॉज नॉट वैदिक मूवमेंट्स टू पैरेलल टू द वैदिक हिंदूज एंड एंशियंट इंडिया। कहीं ना कहीं ये पूछ रहा है कि भैया जो आंदोलन प्राचीन भारत में वैदिक हिंदू धर्म के समांतर और गैर वैदिक आंदोलन था, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास जैनिज्म भी था, बुद्धिज्म भी था, अयोग भी था, तो हमारे पास क्या नहीं था, सर्वण नहीं था, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका पूछा गया प्रश्न है सीडीएस में, याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, ये कहीं ना कहीं पीवाईक्यू है। तो भैया जो आपके वैदिक हिंदू धर्म में था उसका जो समकालीन या समांतर में चलने वाला धर्म कौन सा नहीं है, आपका सर्वण धर्म नहीं है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़े, आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं यहाँ पे 1001% कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार आपको कर रहा है, कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में, याद रखना प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं ये चार बौद्ध संगीतियों की बात कर रहा है, चार बौद्ध काउंसलिंग के बारे में बात कर रहा है। उन चार बौद्ध काउंसलिंग को मैं डीप एक बार एनालाइज करूं तो पहली बौद्ध संगीति या पहली बौद्ध काउंसलिंग आपकी, याद रखना पहली बौद्ध काउंसलिंग आपकी हुई थी 483 BC में या ईसा पूर्व में। इसी 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हो जाती है, वो आपकी कहाँ हो जाती है, खुशीनगर। कहाँ हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, खुशीनगर, याद रखना। और इसी टाइम पे याद रखना आपकी पहली क्या हुई थी बौद्ध संगीति
सर्जरी भी हुई थी, बहुत काउंसलिंग भी हुई थी, उसके बाद सेकंड बहुत काउंसलिंग जो आपकी हुई थी 383 याद रखना, दूसरी जो बहुत संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और तीसरी बहुत संगीति आपकी कहीं ना कहीं 250 BC में हुई थी, 250 ईसा पूर्व में, और लास्ट बहुत संगीति आपकी कब हुई थी, कहीं 72 AD भी लिखा होता है और कहीं फर्स्ट सेंचुरी भी लिखा होता है, तो कहीं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर क्या है आंसर, तो याद रखना, तो आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट सेंचुरी याद रखना है। पहली शताब्दी में आपकी क्या होती है, पहली बहुत काउंसलिंग होती है, और जो सॉरी लास्ट बहुत काउंसलिंग होती है, जो पहली बहुत काउंसलिंग होती है वो किसके शासन काल में होती है, वो आपकी हर्यंग डायनेस्टी के, हर्यंग वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण राजा होते हैं अजातशत्रु, कौन होते हैं अजातशत्रु, कौन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अजातशत्रु के टाइम पे पहली बहुत काउंसलिंग होती है। यह वही अजातशत्रु होते हैं जिन्होंने युद्ध में दो नए हथियारों का यूज किया था, रथ मशूल और महाशिला कंठक, याद रखना कि अजातशत्रु द्वारा दो नए हथियारों का यूज किया गया था, रथ मशूल और महाशिला कंठक, तो याद रखना ये तो इंपॉर्टेंट है। और ये अजातशत्रु किस डायनेस्टी से है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना ये मगध किंगडम की बात करी जाए तो मगध पे सबसे पहले कौन बैठता है, हर्यंग डायनेस्टी बैठती है, और हर्यंग डायनेस्टी के जो संस्थापक होते हैं या फाउंडर होते हैं वो होते हैं बिंबिसार वही होते हैं जो अपने साम्राज्य को विस्तार रूप से फैलाने के लिए मैरिज अलायंस का यूज करते हैं, मैरिज अलायंस में सब वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, दूसरे महाजनपदों की राजकुमारियों से शादी करते हैं और वहां से उनके जो राज्य है उसको दहेज में ले लेते हैं। तो अजातशत्रु हर्यंग डायनेस्टी के हो गए, और इस टाइम कहीं मैच द फॉलोइंग में यह आ गया कि एक टाइम एक तरफ क्या रख दिया आपका वो रख दिए बुद्धिस्ट काउंसलिंग रख लिया और एक तरफ उनके चेयरमैन रख लिए, तो कहीं ना कहीं आपके CDS एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसलिंग हुई थी उसके जो चेयरमैन थे महाकश्यप, याद रखना कौन थे महाकश्यप, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लाल कि भैया पहली बुद्धिस्ट काउंसलिंग के जो चेयरमैन थे वो महाकश्यप थे। यहां चेयरमैन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, फिर मत कहना कि सर आपने फील नहीं करवाया। दूसरी बहुत काउंसलिंग, जो दूसरी बहुत काउंसलिंग होती है वो होती है काला अशोक के टाइम पे, किसके टाइम पे होती है मेरे लाल, काला अशोक के टाइम पे, तो याद रखना ये काला अशोक शिशुनाग के पुत्र होते हैं, और काला अशोक किस डायनेस्टी के होते हैं मेरे लाल, ये होते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के, किस डायनेस्टी के होते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरी बहुत काउंसलिंग किसके टाइम पे होती है, तीसरी बहुत काउंसलिंग होती है अशोक के टाइम पे, किसके टाइम पे होती है अशोक के टाइम पे, तो याद रखना अशोक द ग्रेट अशोक, तो याद रखना ये किस डायनेस्टी के होगे, मौर्य डायनेस्टी के होगी, कहीं ना कहीं डायनेस्टियों से भी आप क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इसके जो चेयरमैन होते हैं मोगलीपुत्तिस होते हैं, कौन होते हैं मोगलीपुत्तिस, याद रखना मोगलीपुत्तिस, क्लियर हो गई बात। उसके बाद जो अंतिम लास्ट बहुत काउंसलिंग होती है वो होती है कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के टाइम पे, कुषाण वंश के जो महान शासक होते हैं कौन होते हैं कनिष्क होते हैं, और इस कनिष्क के टाइम पे चौथी बहुत काउंसलिंग होती है, और यहीं से आपने अपने दिमाग में एक चीज फील कर लेनी है कि जो चौथी बहुत काउंसलिंग है इसी के टाइम पे बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया, जो दो हिस्से थे हीनयान और महायान, याद रखना इसी के टाइम पे इसी चौथी बहुत काउंसलिंग के टाइम पे बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया हीनयान और महायान, याद रखना हीनयान और महायान। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें अभी तक ये था कि भैया जो चौथी बौद्ध काउंसलिंग थी इसी के टाइम पे आपके जो बौद्ध धर्म थे वो दो हिस्सों में बट गए हीनयान और महायान। हीनयान बुद्ध की जो दिए गए विचारों को क्या करते थे मानते थे अपनाते थे, और महायान वो लोग थे जो बुद्ध को क्या करते थे बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करते थे या बुद्ध को भगवान मान लेते थे, क्लियर हो गई बात। कहीं ना कहीं हीनयान वालों की जो लैंग्वेज थी वो आपकी पाली थी, और कहीं ना कहीं महायान वालों की जो लैंग्वेज थी वो आपकी संस्कृत थी, कहीं ना कहीं ये डिफरेंस भी देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क के टाइम पे चौथी बहुत काउंसलिंग हुई तो इसके जो चेयरमैन थे वो आपके जो प्रेसिडेंट थे वो थे वसुमित्र, कौन थे वसुमित्र, कौन थे वसुमित्र, और याद रखना इसी वसुमित्र के टाइम पे बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया हीनयान और महायान। और ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
ये है कि अब क्वेश्चन में पूछा गया कि भैया जो राजग्रह है, राजग्रह आपकी मगध की पहली कैपिटल होती है और राजग्रह में किसके टाइम पे पहली बहुत काउंसलिंग होती है, अजातशत्रु के टाइम पे होती है। कहीं ना कहीं वैशाली में दूसरी, भैया ये पहली हो गई और वैशाली में दूसरी बहुत काउंसलिंग होती है, और दूसरी बहुत काउंसलिंग मैंने आपको भी बता दिया किसके टाइम पे हुई, कालाशोक के टाइम पे हुई। उसके बाद पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र याद रखना बेटे, पाटलिपुत्र आपका किसके टाइम पे, तीसरी बहुत काउंसलिंग अशोक के टाइम पे, और चौथी लास्ट कुंडल वन कश्मीर, याद रखना कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के टाइम पे लास्ट बहुत काउंसलिंग होती है। कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए कि भैया आपके बहुत काउंसलिंग से चेयरमैन आ गया तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्लियर हो गई बात, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछ रहा है कि भैया कि जो हमारे पास अशोक के इंस्क्रिप्शन है, अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, वो शिलालेख याद रखना कहीं ना कहीं आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अशोक के इंस्क्रिप्शन जितने भी हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। ये अशोक के माइनर एडिक्ट्स हो गए, मेजर एडिक्ट्स हो गए, पिलर एडिक्ट्स हो गए और केव एडिक्ट्स हो गए, कहीं ना कहीं आपको मेजर एडिक्ट्स बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। जो इसके मेजर एडिक्ट्स हैं ये आपके 14 हैं, कितने हैं मेरे प्यारे लाल, 14 हैं। कहीं ना कहीं पूरे अखंड भारत में ये 8 जगहों पे हैं, कितने जगहों पे हैं, 8 अलग अलग जगहों पे हैं, जहां की मानसेरा और सावासगढ़ी बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मानसेरा और सावासगढ़ी जो लोकेट करता है आपका पाकिस्तान में, तो याद रखना भैया जो अशोक के जितने भी एडिक्ट्स हैं वो एडिक्ट्स आपके 4 स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, 4 स्क्रिप्टों में लिखा गया है। सबसे पहले या सबसे ज्यादा, सबसे पहले या सबसे ज्यादा अशोक के जितने भी एडिक्ट्स हैं, जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं, वो सबसे ज्यादा किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करी जाए तो भैया ये लेफ्ट टू राइट की ओर लिखे जाते हैं, जैसे आज प्रेजेंट टाइम पे मैं भी लिख रहा हूं या आप अपनी कॉपी में भी लिख रहे हो, तो हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। कहीं कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि किस वे में लिखा जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला भाग है, पाकिस्तान वाला भाग है, इस पाकिस्तान वाले भाग में अशोक ने किस लिपि का यूज करा, तो याद रखना बेटे ये खरोष्ठी लिपि में यूज करा, और खरोष्ठी लिपि आपकी कहीं ना कहीं उल्टी लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। तो याद रखना अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं वो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, बट लेकिन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाली भाग की बात करी जाए तो वहां उसने जैसे सावासगढ़ी और मानसेरा मैंने आपको बताया, तो यहां उसने किस लिपि में लिखा गया, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसने अरमाइक स्क्रिप्ट का भी यूज किया और ग्रीक स्क्रिप्ट का भी यूज करा। 4 स्क्रिप्ट हैं जिसमें अशोक ने क्या करा, अपने इंस्क्रिप्शन लिखने के लिए क्या करा, यूज करा। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्क्राइब द ब्राह्मी लिपि एंड खरोष्ठी लिपि, किसने इसको, इसकी पहचान करी या किसने इसको सबसे पहला पढ़ा, तो याद रखना जेम्स प्रिंसेप 1837 में सबसे पहले इन्होंने अशोक के जितना इंस्क्रिप्शन थे सबसे पहले इन्होंने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप इसका क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, कहीं ना कहीं अशोक के इंस्क्रिप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो आपका कलिंग का वॉर है, कलिंग का वॉर का वर्णन उसने कहीं ना कहीं मेजर रॉक एडिक्ट 13 में करा है, कहीं ना कहीं एक्सप्लेन ऑफ धमा मेजर रॉक एडिक्ट 11, कहीं ना कहीं देखो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपनी, उसने धम यात्राओं के बारे में मेजर रॉक एडिक्ट 8 में बताया है, और उसके बाद उसने धम को एक्सप्लेन किया है मेजर रॉक एडिक्ट 11 में, और कलिंग के वॉर के बारे में मेजर रॉक एडिक्ट 13 में उसने इसके बारे में या इसका वर्णन किया है। क्लियर हो गई बात। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न कि हाँ भैया कि साक्ष्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों के ये है कि भैया गौतम बुद्ध को कितने और नामों से जाना जाता है, गौतम बुद्ध ऑल्सो नोन एज सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध ऑल्सो नोन एज महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध आपका तथागत और आपका साक्ष्य मुनि, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके यूपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है कि ये पूछ रहे हैं कि वॉज ऑल्सो नोन एज साक्यमुनि, साक्यमुनि के नाम से किसे जाना जाता है आपके गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध का जो चाइल्डहुड नेम है आपका सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध ने देखो गौतम बुद्ध के बारे में कितनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध आपके शुतोधन के पुत्र होते हैं, जो शाक्य कुल के राजा होते हैं शुतोधन,
उनकी जो माता होती है महामाया, जिनकी गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक सातवें दिन क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और सुतोधन महामाया की जो छोटी बहन होती प्रजापति गौतमी, उनसे क्या कर देते हैं, विवाह कर लेते हैं। जो गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ होती है वही उनका लालन पोषण करती है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ही इनको गौतम का टाइटल देती है, जिसे आप गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। और गौतम बुद्ध के जन्म की बात करी जाए मेरे प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। तो गौतम बुद्ध, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है, उसके बाद गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में कहाँ होती है, खुशीनगर। और खुशीनगर किसकी कैपिटल होती है मेरे लाल, तो याद रखना मल महाजनपद। मल एक महाजनपद होता है जो अभी प्रेजेंट टाइम पे लोकेट है यूपी में, तो याद रखना मल महाजनपद की जो कैपिटल होती है मेरे प्यारे बच्चों वो कहाँ होती है, खुशीनगर होती है। वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। और किस वृक्ष के नीचे, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि वो उनकी जो मृत्यु होती है साल वृक्ष के नीचे, और जब वो अपना अंतिम समय खुशीनगर चुंद नामक, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं सीडीएस में पूछा गया प्रश्न कि चुंद नामक एक लोहार होते हैं वहां, वो सुअर की जो पिक्की जो क्या होती है मीट खा के क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, कहीं ना कहीं चुंद नामक लोहार था। उसके बाद जो साल वृक्ष है, याद रखना ये साल वृक्ष इसलिए बता रहा हूं क्योंकि महावीर स्वामी को जो टोटल इनलाइटमेंट संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे हुई थी, बट यहां पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे होती है मेरे लाल, आपकी साल वृक्ष के नीचे होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है महात्मा बुद्ध के ऊपर कि भैया जब 29 वर्ष की आयु में 29 ईयर्स की ओल्ड में ये क्या कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, घरबार छोड़ देते हैं, तो उसको बौद्ध लिटरेचर में क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। याद रखना उसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब वह 35 वर्ष की आयु में वो टोटल इनलाइटमेंट, टोटल संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसको बौद्ध लिटरेचर में निवारणा कहा जाता है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भैया जब उन्होंने पहला उपदेश, पहला सर्मन दिया था, तो याद रखना उसको बौद्ध लिटरेचर में कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, उसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। कहीं मैच द फॉलोइंग में आ गया तो बिल्कुल भी आप लोगों को क्या नहीं करना है, गलत नहीं करना है। तो याद रखना जब वह पहला उपदेश सारनाथ में कहां देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारनाथ में, और कितने ब्राह्मणों को देते हैं, 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश देते हैं, कहां देते हैं सारनाथ में, तो उसको बौद्ध लिटरेचर में कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया जब उनकी 80 साल की उम्र में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको बौद्ध लिटरेचर में क्या कहा जाता है, बौद्ध साहित्य में उसे कहा जाता है महापरिनिवारण कहा जाता है। बौद्ध लिटरेचर में उसे क्या कहा जाता है, मृत्यु को महापरिनिवारण कहा जाता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध के बारे में और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनको जो ज्ञान, टोटल इनलाइटमेंट 35 वर्ष की आयु में कहां हुआ था, बोध गया किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, जो आज की बिहार के टाइम पे बोधि वृक्ष के नाम से क्या है, फेमस है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद इन्होंने सबसे पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया और सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया या सबसे ज्यादा उपदेश दिए कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में। तो कहा यह जाता है कि प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध ने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं वो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। और आखिरी समय इनका कहां बिता है, मल महाजनपद की कैपिटल खुशीनगर में बिता है, जो प्रेजेंट टाइम पे अभी कहां लोकेट है, यूपी में लोकेट है। तो चलो बढ़ो आगे की ओर। कहीं ना कहीं जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तो भैया ये कहीं ना कहीं बढ़ते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न की ओर। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म और जैनिज्म से आपको क्वेश्चन इस बार देखने को मिल सकता है। जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं उतनी भी चीजें आप लोगों ने फील कर दी है, आपने दिमाग में डाल दी है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैन काउंसलिंग की बात करी गई है, तो जैन काउंसलिंग से पहले भैया मैं ये बात जान लूं कि ताकि आप उत्तर एकदम अपने आप दे दो कि भैया जो जैन काउंसलिंग हुई है वो सिर्फ दो ही हुई है। कितनी हुई है, दो ही जैन काउंसलिंग हुई है, पहला और दूसरा। पहला जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी मेरे प्यारे लाल, पाटलिपुत्र में। इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके थे स्थूलभद्र, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, स्थूलभद्र थे। तो याद रखना जो सेकंड जैन काउंसलिंग हुई वो आपकी वल्लवी गुजरात में हुई। कहां हुई, वल्लवी गुजरात में।
पहली जो जैन काउंसलिंग हुई वो आपकी 300 BC में हुई, और दूसरी जो जैन काउंसलिंग हुई तो 512 AD में हुई, 512 AD में। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई मेरी बात। पहले जैन काउंसलिंग, जो पहली जैन काउंसलिंग हुई उसमें, जैसे मैंने चौथी बौद्ध काउंसलिंग में बताया था कि भैया बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बढ़ गया, यहां पहली जैन काउंसलिंग के टाइम पे ही जैन धर्म दो हिस्सों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया जो श्वेतांबर और दिगंबर वाले लोग हैं, याद रखना, ये भी कभी कभार प्रश्न में पूछा जाता है कि भैया जो श्वेतांबर वाले लोग थे वो नॉर्थ की ओर गए और जो दिगंबर वाले लोग थे वो कहाँ गए, साउथ की ओर गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि पहली जैन काउंसलिंग के टाइम पे ही जैन धर्म दो हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, पहली ही जैन काउंसलिंग के टाइम पे। तो याद रखना मेरे प्यारे लाल, कहीं ना कहीं आपके एम्बलम से भी यहां से क्वेश्चन उठते हैं, आपके प्रतीक चिन्ह से भी क्वेश्चन उठते हैं कि भैया जो पहले आपके जैन में, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, याद रखना जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, वो 24 के 24 आपके क्षत्रिय हैं। 24 के 24 क्या हैं, आपके क्षत्रिय हैं। बात करी जाए जैन धर्म कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से भी पुराना है, तो याद रखना जैन धर्म के जो पहले 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 तीर्थंकर या पहले गुरु थे वो आपके थे ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। उनको ऋषभदेव भी कहा जाता है, उनको ऋषभनाथ भी कहा जाता है, उनको आदिनाथ भी कहा जाता है। याद रखना पहले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे वो आपके ऋषभदेव थे, उनको आप ऋषभनाथ के नाम से भी जानते हैं, आप उनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना सीडीएस में ये इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ तीर्थंकर दे दिए, एक तरफ उनका एम्बलम दे दिया कि भाई अब द मैच द फॉलोइंग कर लो। तो कहीं ना कहीं पहले तीन और लास्ट के तीन हमें याद रखना है, पहले के तीन और लास्ट के तीन हमें याद रखना है। जो पहले थे आपके ऋषभदेव, उनका एम्बलम था बुल। क्या था मेरे लाल, बुल था, ठीक। उसके बाद याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, कहीं ना कहीं पांच लाइनों में पूरी जैन धर्म के 24 के 24 तीर्थंकर याद हो सकते हैं, बट लेकिन हमें अभी शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, अब दो या तीन दिन हमारे एग्जाम के लिए बचे हुए, तो कहीं ना कहीं हमें पहले के तीन और लास्ट के तीन याद रखने हैं। तो याद रखना ऋषि अजीत, याद रखना ऋषि अजीत, मतलब दूसरा जो तीर्थंकर हो गए वो आपके हो गए अजीतनाथ। कौन हो गए, अजीतनाथ हो गए। अजीतनाथ का जो एम्बलम है, जो आपका प्रतीक चिन्ह है, वो आपका एलिफेंट हो गया, याद रखना एलिफेंट, जो आपके अजीतनाथ हैं। ऋषि अजीत का संभव अभिनंदन, याद रखना। जो तीसरे हैं संभवनाथ, कौन है, संभवनाथ, और इनका जो एम्बलम है याद रखना प्यारे बच्चों वो हॉर्स है। तो पहले तीन, भैया एक लाइन बोली मैंने, ऋषि अजीत का संभव अभिनंदन, ऋषि से हो गया क्या ऋषभनाथ, और ऋषि अजीत, अजीत से हो गया अजीतनाथ, संभव से हो गया संभवनाथ, और अभिनंदन का अभिनंदन ही हो गया। तो चौथे जो जैन तीर्थंकर होते हैं वो संभवनाथ होते हैं। उसके बाद लास्ट के जो तीन हैं, लास्ट वाला हमारे क्या हो गए, महावीर स्वामी हो गए, जिनका एम्बलम याद रखना है आपको लॉयन, लॉयन मीन्स होता सिंह। इससे पहले जो 23वें हैं वो पार्श्वनाथ हैं, इनका जो एम्बलम है वो स्नेक है, याद रखना। पार्श्वनाथ भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इनसे पहले 22वें तीर्थंकर आपके हो गए अरिष्णेमी या नमीनाथ, याद रखना अरिष्णेमी या नमीनाथ, और इनका एम्बलम एक बार सीडीएस में पूछा गया है, इनका एम्बलम है कौंच। कौंच मीन्स होता है शंख, कौंच मीन्स क्या होता है, शंख। तो याद रखना अरिष्णेमी या नमीनाथ। और यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरे लाल ये है कि भैया जो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभदेव और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्णेमी, इन दोनों का मेंशन या इन दोनों का उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया जो पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर हैं उनका कहीं ना कहीं उल्लेख या मेंशन कहां मिलता है आपको, ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद से भी आपको बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऋग्वेद को भी थोड़ा सा भी देख रहे हैं आपके लास्ट रिवीजन के लिए, तो कहीं ना कहीं आप ऋग्वेद से याद रख सकते हैं, भैया जो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 हिम्स हैं और 10580 मंत्र हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे लाल कि भैया जो 10 मंडल हैं, इस 10 मंडल में से तीसरा मंडल से लिया गया गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कंपोज किया गया विश्वामित्र द्वारा। सातवां मंडल बैटल ऑफ 10
टेन किंग्स किसके लिए लड़ा गया? रावी नदी के लिए लड़ा गया, और रावी नदी का जो एंशियंट नेम हो गया वो आपका क्या हो गया? पुरसनी हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इसी तरीके से हो सकता है कल आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आऊं, तो यहां कहीं ना कहीं आप लोग भी सीख चुके होंगे कि भैया हमारे क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कहीं ना कहीं इन चीजों से आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन है, और कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।